हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। खासकर प्लम्बर की जो स्टेप वाली वीडियोस चल रही थी, प्लम्बिंग की, उसी के बारे में। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस वाले स्टेप में क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका मेन होल बन गया था, जैसे पुराने जो वीडियो थे उसमें आपने मैंने बताया था आपको कितने इंच की पाइप रखनी है, आपको रेन वाटर कितना होना चाहिए, वेस्ट कितना होना चाहिए, सॉइल कितना होना चाहिए, मेन होल का साइज कितना होना चाहिए, जीटी कैसे बननी चाहिए, मेन होल कैसे बनाना चाहिए, हर चीज़ मैंने बताई थी। अब लेकिन मेन होल बनाने से पहले एक चीज़ और करनी पड़ती है, जब ग्राउंड फ्लोर में खासकर मैंने बताया था आपको 6 इंच की पाइप लेना है, स्लोप भी देना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जब आपका एक मेन होल इधर है, एक मेन होल घर के पीछे है, पीछे से बैक साइड में एक आगे है फ्रंट में, अब इन एक मेन होल इस मेन होल से इस मेन होल के बीच की दूरी मान लिया 30 से 40 फीट है, तो इसके बीच में जो पाइप पड़ेगा, जो ग्राउंड फ्लोर में जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो फर्श के अंदर जो मिट्टी में पड़ता है पाइप, वो 6 इंच का पाइप मैंने आपसे बोला था कि कम से कम 6 इंच का पाइप आप लेके चलिएगा, कि जिससे आपको कभी बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना हो, कभी ऐसा ना हो जाम कुछ हो जाए पाइप, उसकी वजह से कभी मेन होल आपका जाम ना हो जाए, तो वो चीज़ दिक्कत ना हो आपको। तो इसलिए मैंने 6 इंच बोला था आपसे। अब इस 6 इंच के पाइप को लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली मिट्टी खोद के, जैसे आपको सामने दिख रहा है, नाली खोदी गई, मिट्टी हटा ली गई और सीधे इसमें क्या किया कि रोड़ी डाल दी गई। रोड़ी मतलब जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है कच्ची रोड़ी लोग कहते हैं इसको, मतलब एक तरह से ईंट का जो वेस्ट होता है उसको डाल दिया गया, उसको हल्का सा दबा के इसके ऊपर देखो पाइप डाल दिया गया। आपको इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं कराना है। चलो जिसने किया वो तब भी मैं कहता हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है, हल्का फुल्का, नहीं तो कई तो ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बस सीधे उन्होंने गड्ढा खोदा लंबाई में, उसी मिट्टी में ही स्लोप किया और उसने पाइप सीधे डाल दिया और मिट्टी को ही ऊपर से दबा के पैक कर दिया, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कराना है। अगर आप प्लम्बर की कॉस्ट दे रहे हैं, प्लम्बर से काम करवा रहे हैं, तो तरीके से काम करवाइए उससे, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होने वाले होते हैं। सोचो ये काम एक बार हो गया तो जब तक आपका घर रहेगा तब तक ये पाइप पड़ा रहेगा अंदर, ये रेयरली कोई एक आधा तोड़े, अगर आप घर बेचते हैं या फिर कभी डिमोलिश होता है घर, न तो लगभग जब लाइफ टाइम का हिसाब रहता है। तो ये काम प्रॉपरली तरीके से होने चाहिए आपके। तरीका क्या है इसका, कुछ नहीं, एक मेन होल ये है, एक मेन होल ये है, इन दोनों के बीच में क्या है 6 इंच का पाइप पड़ा है, वो भी मान लिया है स्लोप पड़ा है 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, जो भी स्लोप आपने लिया है ले लिया, वो आपके प्लम्बर की प्रॉब्लम है कि वो स्लोप कितना दे रहा है वहाँ पे उस जगह की आपसे, लंबाई की आपसे, तो स्लोप दे दिया आपने। अब क्या किया, यहाँ पे काफ़ी लोग एक चीज़ और भी गलती करते हैं कि पाइप डालने से पहले एक काम और करना होता है आपको, कि जहाँ पे आपको मेन होल और जीटी बनाना होता है वहाँ पे आपको एरिया डिसाइड कर लो कि यहाँ पे मेन होल होगा, यहाँ पे जीटी होगा। ठीक, तो एरिया डिसाइड हो गया मेन होल और जीटी का। अब उस मेन होल से इस मेन होल के बीच में कहाँ से कहाँ पाइप जाने हैं वो एरिया डिसाइड कर लो। वो एरिया डिसाइड हो गया कि हमारे बेडरूम से होते हुए या फिर बाथरूम से होते हुए ऐसे ऐसे पाइप बाहर निकल रहा है, इस मेन होल में जा रहा है, पीछे वाले मेन होल से आगे वाले मेन होल के बीच में, तो वहाँ पर जब वो गड्ढा खोदेगा तो गड्ढा खोदेगा पाइप के लिए, खासकर भी मैं बता रहा हूँ, तो गड्ढा खोदेगा, तो गड्ढा खोदने के बाद क्या करेगा वो पहला काम, कि पहले वो कच्ची रोड़ी मतलब कि ईंट के टुकड़े डालेगा, उसको सेट करेगा अच्छे से कूट के कि अच्छे से बढ़िया सेट हो जाए, इसके बाद पाइप रखेगा, नहीं पाइप बिल्कुल नहीं रखेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं पाइप रखा हुआ, बिल्कुल ऐसा काम नहीं कराना। इसके बाद आपको एक पीसीसी करानी है, पीसीसी मतलब एक तरह से कंक्रीट हो गया, बस उसमें सीमेंट का रेशियो कम होता है, उसमें जैसे पीसीसी का देखो रेशियो आप ले सकते हैं 1:5:10, लेकिन मेरा कहना कि 1:5:10 का रेशियो मत रखा करो, 1:4:8 का रेशियो रख सकते हैं आप। 1:4:8 मतलब एक सीमेंट हो गई, 4 आपकी डस्ट या मोरंग या बदरपुर जो भी आप यूज करते हैं, आपकी जो चलती है वो बालू नहीं या फिर रेत नहीं, ठीक है, और आपके 8 क्या हो गया, 8 आपका गिट्टी हो गई, बल्कि छोटी बारी मिक्स करके यूज कर सकते हैं, 20 mm 10 mm दोनों 50-50 मिक्स करके आराम से 2 या 2.5 इंच की पीसीसी आप बनवा लें उस कच्ची रोड़ी के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पीसीसी डालते हुए, इसी तरह आपको इस पीसीसी में पीसीसी को स्लोप के हिसाब से डालना है, और पीसीसी में ही आपको स्लोप ढालना है उस पाइप का, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि स्लोप भी मिल जाएगा, पीसीसी में भी स्लोप बन गया, और पाइप रखो आसानी से, ऑलरेडी आपको स्लोप बना बनाया मिल जाएगा,
तो ये आपको पीसीसी जरूर ध्यान करके डलवानी है। पीसीसी डलवाने के बाद क्या किया, पाइप आपने रखा, पाइप रखने के बाद तब आप क्या करोगे, उस पाइप के दोनों तरफ एक कुछ भी आपके पास जो भी सपोर्ट हो उसको लगा के इस पाइप को कंक्रीट से कवर करोगे। कंक्रीट में इसमें कोई पीसीसी का रेशियो रखना है, इसमें बढ़िया कंक्रीट डालना है, M20 का डाल दो, 1-3 का डाल दो, 1-2-3 का डाल दो, ठीक है। इस तरह कंक्रीट बना के इस पाइप को पूरा कवर करना है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इस गड्ढे में क्या है, देखो इस कंक्रीट के अंदर कोई कंक्रीट हुए बीम नहीं है, इसके अंदर पाइप पड़ा हुआ है, पाइप को कवर किया गया है इस तरह। तो देखो ये पूरा पीछे वाले मेन होल से देखो ये पाइप निकलते हुए बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से आपको पैक कराना है पूरा कंप्लीट। ये है पूरा प्रोसेस, आपको पाइप जो मेन आपका 6 इंच का पाइप पड़ेगा इसको लगाने डालने का प्रोसेस पूरा तरीका ये है। अब आते हैं कि अब ये पाइप तो डाल लिया आपने, अब पाइप डालने के बाद फिर आपको मेन होल पे आते हैं, आगे का मेन होल जो आपके घर के फ्रंट में बना है और जो पीछे बने हैं मेन होल और जीटी। तो यहाँ भी लोग क्या मकारी करते हैं, प्लम्बर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खाली गड्ढा खोद के सीधे चिनाई ब्रिकवर्क अपना जो मेन होल का ब्रिकवर्क है उतना चिनाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं कराना है। आप पहले पाइप डलवा लें, पाइप डलवाने के बाद पूरा पक्का नहीं करना, नॉर्मली आप पाइप डलवा लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मेन होल और जीटी बनने हैं तो वहाँ का एरिया आप अच्छे से लेवल करवा दें, वहाँ पे पीसीसी जरूर करवा दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको हरदम ध्यान रखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता इनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा मुश्किल से कितने एक बोरी सीमेंट लग गई, अभी थोड़ी सी डस्ट लग गई और आपकी मोरिंग या गिट्टी लग गई, लेकिन काम अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कभी मान लो पानी रिस के आपके घर के अंदर आ गया, वहाँ की मिट्टी दब गई तो मेन होल भी नीचे जो है दब जाएगा। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि घर के फर्श की फर्श जो होती है ग्राउंड फ्लोर की वो दब जाती है, बैठ जाती है, तो ये केस होते हैं कि नीचे मिट्टी को पानी आ जाता है आपकी घर के नीचे की फ्लोर के नीचे मिट्टी में। तो जब पीसीसी डालेंगे तो ये चीज़ बहुत कम हो आती है, चांसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पीसीसी डाल लें, पीसीसी के बाद फिर आप मेन होल या जीटी जो भी बनाना है, देखो यहाँ ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसी एरिया में ये देखो ये जीटी बनाई गई बाद में, तो ये जीटी यहीं पे यही एरिया है जो आपको मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो पीसीसी वाला एरिया ये यहाँ पे जीटी इस तरह बनाई गई। जीटी बनाने के बाद फिर आप जो है जो भी कनेक्शन आपको करने हैं वो अपने पाइप्स कर दिए, फिर आगे का जो मेन होल है तो आगे वाले मेन होल में भी अगर आपको खाली मेन होल बनाना है तो वहाँ पहले पीसीसी कराएं, पीसीसी कराने के बाद तब आप मेन होल बनवाएं, तब आप उस मेन होल को फिनिश करें। जैसे यहाँ पे देखिए इमेज बनना है, यहाँ स्क्वायर शेप में देखो आगे दिख रहा है, तो ये भी मेन होल का एरिया, यहाँ पे पीसीसी पड़ी हुई है, पीसीसी के ऊपर मेन होल बनाया जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको स्लोप देके हर चीज काम कराने हैं। ग्राउंड फ्लोर में आपको जितने पाइप पड़ेंगे आपके दबेंगे सब में कंक्रीट से पूरा पैक होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शायद काफ़ी लोगों को बोरियत महसूस हुई हो इस वीडियो को सुन के, लेकिन क्या करें, इस टाइप की वीडियो तो एक एक चीज़ मुझे भी लेके चलनी पड़ेंगे, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।